हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईटीआई जो परीक्षा का फेज़ है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जो तारीख है मैं आपको बता दूं, 22 तारीख से आप लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट है और 26 तारीख तक तो जो है इस फेज़ की परीक्षाएं चलने वाली हैं। ठीक है, 22 तारीख से स्टार्ट होने के बाद 26 तारीख तक तो जो है इन छात्रों की परीक्षाएँ चलने वाली हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट हैं जो लिस्ट में नाम है ना। तो अब आपको हो सकता है आपका एडमिट कार्ड भी इसमें डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए होंगे। तो जिन छात्रों का एडमिट कार्ड मतलब अभी तक नहीं आया है, तो पेशेंस रख के थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक किस्म से ना सब्र बरतना है ना, एक किस्म से बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे सबके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अब बहुत से छात्र ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा नहीं हो रही है, तो भाई एक काम करना, डेट वगैरह आ चुके हैं, 22 तारीख आपकी डेट आई है और 26 तारीख को जो है आपकी परीक्षा चलने वाली है, तो आपको क्या काम करना है, अपनी आईटीआई से जो है कांटेक्ट करना है एक बार। ठीक है, आपकी आईटी जहां से आप लोग आईटीआई कर रहे हैं तो उनसे एक बार आप बात कीजिए, है ना, कि आपकी परीक्षाएं हैं भी या फिर नहीं। देखो, आप लोग बोल रहे हो कि ऐसा सिस्टम क्या हो रहा है कि आईटीआई में किसी की परीक्षाएँ हैं किसी की आईटीआई में नहीं है, तो लिस्ट आप लोग जान लो, फेज वाइज परीक्षाएं हो रही हैं, तो किसी आईटीआई का लिस्ट में नाम आता है किसी का नहीं है, तो वो सिस्टम चल जाता है ना। लेकिन परीक्षाएं सबकी होंगी, फिक्र न करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कोई परीक्षा छूट जाएगा, है ना, ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कोई इसकी परीक्षाएं होगी मेरी परीक्षाएं अब नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अब बैक पेपर पर भी अपडेट आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, बैक वाले छात्रों की भी जो है परीक्षाएं अब करानी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हो, 4 तारीख से जो बैक वाले सेमेस्टर वाले हैं उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, तो धीरे धीरे सबकी परीक्षाएं स्टार्ट की जाएंगे। जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है उसको ठीक है, उसके लिए जिसका नहीं आया है तो हो सकता है उसका अगले फेज़ में नाम आए। तो काफ़ी सारे छात्रों का जो है अब की बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है ना, काफ़ी सारे जो छात्र हैं इस फेज़ में उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लिस्ट संभव हो पाया तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, अगर आपको लिस्ट चेक करना है। लेकिन लिस्ट में फिर आप लोग ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, लिस्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिस्ट जो आ गया है आ गया है, अपडेट आपको मिल चुकी है टेंशन मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग एक काम कीजिए, अपनी आईटीआई से कॉन्टैक्ट कीजिए, वहीं से तो आप लोग एडमिट कार्ड प्राप्त करोगे, है ना। डाउनलोड करोगे तो फिर चक्कर फंस जाएगा, फिर उल्टे सीधे गड़बड़ होगी तो फिर आप फंसते फिरोगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है, अपनी आईटीआई से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, वहीं से आप लोग को जो है एडमिट कार्ड प्राप्त करने हैं। ठीक है, और रही बात आपकी बैक परीक्षाओं की, जो छात्र मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि बैक परीक्षाओं का सिस्टम क्या आ रहा है, जिनका 2018 है सेकेंड ईयर है, जिनका मतलब 2018 में बैक थी फर्स्ट ईयर में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके लिए भी अपडेट जल्दी ही आने वाला है, उनकी परीक्षाएं जल्दी समाप्त होने मतलब कराए जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, सभी की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है, और जैसे ही सिस्टम सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा बैक वाले छात्रों का और जो स्पेस वाले एग्जाम चल रहे हैं उनके वालों का, तो फिर उसके बाद 2020 वालों का नंबर लगाया जाएगा। ठीक है, 2020 वाले बहुत सारे परेशान हो रहे हैं छात्र, तो भी उसके बाद 2020 वालों का नंबर लगाया जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल तो आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, 22 से परीक्षाएं 26 तक चलने वाली है, उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे उसको अगले फेज़ में देखा जाएगा, अगले फेज़ आएगा उसके बाद, है ना। क्योंकि 17 तारीख तक जो है आपके एग्ज़ाम होने थे, जो अभी लिस्ट जारी हुई थी ना, तो 22 से स्टार्ट है, फिर 26 तक चलेंगे, उसके बाद फिर अगला फेज़ जारी किया जाएगा, फिर उसमें भी छात्रों को जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, फिर उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऐसे ऐसे करके जब तक सभी छात्रों की परीक्षाएँ समाप्त नहीं होंगी तब तक ऐसे ही फेज़ जारी किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि अब की बार जो है बहुत ही स्लो चल रहा है एग्ज़ाम, है ना, आप लोग जा सकते, इतने आराम से तो भाई साहब मैंने आज तक किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम नहीं देखा, कितने स्लो कितना स्लो चल रहा है भाई साहब, है ना। तो बहुत धीमा है, लेकिन ले तो रहा है, इतने शुक्रमन है ना, चल तो रहे हैं एग्ज़ाम, तो इतना खुश हो जाओ इसे देख करके। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और तैयारी आप लोग करते रहिए भाई, एग्ज़ाम आपके सर पर है, ऑनलाइन परीक्षा है, तो तैयारी करते रहिए। क्लासेस मैंने जितनी हो सकी क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो और जितनी क्लास हो रही है मैं चले रहा हूँ, और ऑनलाइन टेस्ट मैं वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, जाकर भाई ऑनलाइन टेस्ट लगाते रहिए, हर टेस्ट में डाल रहा हूँ अपने ट्रेड से रिलेटेड, जो सी भी आपके ट्रेड आपको किसी भी चैनल पर से भी कहीं पर भी अगर आपको कोई भी ट्रेड आपकी नहीं मिल पा रही है, स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे कमेंट करो ना, मैं ऑनलाइन टेस्ट डालूंगा वेबसाइट पर, है ना, किसी भी ट्रेड से रिलेटेड हो, है ना, कोई भी आपकी ट्रेड हो, कोई भी आपका टॉपिक हो, तो मुझे कमेंट करो कि भाई मुझे उस टॉपिक पर टेस्ट चाहिए, मुझे टेस्ट लगाना है ना, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं टेस्ट लेकर आऊँगा, है ना, टेंशन मत लो। तो सिंपल है, बस आईटीआई सर्च करो, आईटीआई एग्जाम वाईटी और पहुँच जाओ और मॉक टेस्ट लगा के आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई लफड़ेबाजी नहीं है उसमें, है ना, सिंपल तरीका मैंने दे रखा है वहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बेनिफिट आपके लिए है। ठीक है, जौन सी भी ट्रेड हो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि भाई मुझे इस टॉपिक पर या फिर मुझे इस ट्रेड पर टेस्ट चाहिए, जरूर देना। तो मैं देखिए, जितने भी मुझे ट्रेड बताई है आप लोगों ने कि मुझे टेस्ट चाहिए भाई, तो मैंने काफ़ी सारी ट्रेड का मैंने डाल दिया, जैसे वेल्डर था, वायरमैन था, ड्राफ्टमैन था, और आपका जो है मैकेनिकल डीजल हो गया आपका,
तो काफ़ी सारे ट्रेड्स जो अलग अलग ट्रेड होती हैं, जो छोटे मतलब जो बहुत ही कम मटेरियल मिलता है स्टडी मटेरियल जिनके लिए, तो उनकी ट्रेड का मैंने डैश डाला है ना, और नेमी पैटर्न पे ही गा रहा है जो सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट जरूर करना जब भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। तो ठीक है, आज की वीडियो मुझे यही अपडेट देनी थी। अपनी आई टी ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना जा करके, जिसका एडमिट कार्ड आया है अपना एडमिट कार्ड ले लेना जा करके। ठीक है, अपनी आई टी से संपर्क जरूर करना। ठीक है, मैं लास्ट में भी यही कह रहा हूँ कि जितने अगर आपका फेज में नाम हो तब भी, बस जितनी भी आपका जितने छात्रों का भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, बस सबके सब एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना अपनी आई टी। हो सकता है आपका नाम हो इस फेज़ में और आपकी परीक्षाएँ हों। ठीक है, कभी लारे में हो जाओ और फिर आपका परीक्षाएँ भी निकल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाई, तो चलो फिर आज की वीडियो को मैं दी एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।